उत्तर भी दूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। मैं चार पंक्तियां, चूंकि आलोक जी इतनी वैचारिक कविता पढ़ के गए हैं, मैं आपको चार पंक्तियां यह सुनाना चाहता हूं कि एक हास्य कवि का कर्म क्या है, वह क्या करता है, और किस तरह से जो आप बहुत सारे शोज में, लाफ्टर शोज में कवियों को देखते हैं, उससे हम अलग कैसे हैं, पृथक कैसे हैं, वो चार पंक्तियों में निवेदित करता हूं। सुनिएगा जी। न कोई साज सुर संगत, तबले और तबलची लेकर नहीं बैठे हम, न कोई साज सुर संगत मगर सबको फंसाते हैं, कला का घर बड़ी मुश्किल से यारों हम बसाते हैं, और विदूषक भा जोकर मस्खरे हम हैं नहीं साहिब, हमारे पास केवल शब्द हैं जिनसे हंसाते हैं, हमारे पास केवल शब्द जिनसे हंसाते हैं। उस शब्द शक्ति को प्रणाम करता हूं। और करते क्या हैं हम आज के इस दौर में, इतनी अच्छी वैचारिक कविताएं सुनने के बाद ये चार पंक्तियां और आदरणीय सुनिएगा। कभी मैं हास लिखता हूं, कभी परिहास लिखता हूं, मैं इस पत्थर की बस्ती में मुलायम घास लिखता हूं, मैं इस पत्थर की बस्ती में मुलायम घास लिखता हूं, और कठिन इस दौर में मेरी महत्ता को न ठुकराओ, मैं रोते वक्त का हंसता हुआ इतिहास लिखता हूं। वाह 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 वाह। तो सब ये पंक्तियां निवेदित करता हूं, आपको सुनाता हूं। अब यहां से आप मुझसे जुड़िए, और जैसा कि अशोक जी ने कहा है कि इस क्या है, इसके परिणाम क्या होते हैं और इसके लाभ क्या होते हैं, पहले लाभ बताता हूं, उसका परिणाम भी बताता हूं, और इससे आपको मेरे चरित्र का भी पता चलेगा। वो मेरे बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी, वो मेरे बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी, कहा उसने कि ऐसी उम्र में यह हाल होता है, ऐसी उम्र में यह हाल होता है, कहा मैंने कि वनडे क्रिकेट के इस रूल को समझो, वहीं पे फ्री हिट मिलता है जहां नो बॉल होता है, वहीं पे फ्री हिट मिलता है जहां नो बॉल होता है। तो मेरे मस्तक की, और श्रेष्ठ हास्य वो है जो अपने ऊपर किया जाए, दूसरों तक पहुंच जाए। मेरे मस्तक की चमक से चांद भी शर्मा गया, और यह अट्रैक्शन हर चकोरी का हिया भरमा गया, और चंद्रमुखियों से गले मिलने का यह परिणाम है कि चांद उनके मुंह से उठकर मेरे सिर पर आ गया, चांद उनके मुंह से उठकर। बहुत खुले दिमाग का आदमी हूं, खुली खुली बातें करता हूं, लेकिन मेरे इस धोखे में मत आ जाइएगा। जवानों को मैं बताना चाहता हूं कि शुरू में ही कदमगर लड़खड़ाए, सफर आगे का सारा वेस्ट होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। शुरू में ही कदमगर लड़खड़ाए, सफर आगे का सारा वेस्ट होगा, जवानी में मजे ज्यादा न लेना, बुढ़ापे में डीएनए टेस्ट होगा। कोई संकेत नहीं, आप इतने समझदार लोग बैठे हुए हैं, तो खुली खुली बात करता हूं कि मैं गंजा हूं तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है, तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है, अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। अच्छा। और है वो फिसलन कि रखते ही फिसल जाती है हर मुश्किल, कोई इल्जाम अपना मेरे सिर पर धर नहीं सकता। मेरे टक्कल पे हंसते हो, अमा नादान हो तुम भी, लखनऊ की जुबान में बात करता हूं, सुनिएगा। मेरे टक्कल पे हंसते हो, अमा नादान हो तुम भी, जरूरी है नहीं यह, जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो, जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो, और ये गंजापन बताता है इमारत है नहीं अब भी,
इमारत है नई, अब भी छतों पे घास उगाती है अगर बिल्डिंग पुरानी हो। छतों पे घास उगाती है अगर बिल्डिंग पुरानी हो। और देखिएगा इस उम्र में भी साहस देखिए कि अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे, भला यह दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है, गलाना छोड़ देता है और बदन होता है बूढ़ा। दिल की फितरत कब बदलती है, बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। और चार पंक्तियां अभी आदरणीय आदरणीय नीरज जी ने कम से कम ये नहीं कहा कि बस बहुत, ये कहा कि वो वाली सुना दो, खुलेपन का समय आया तो चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं। नीरज जी को बहुत प्रिय हैं और जहां होते हैं अवश्य कहते हैं कि इसे जरूर पढ़ना। जब समय बदला तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में क्या अंतर आ गया। हास्य की चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि इनकमिंग भी फ्री है उनकी, खुलेपन का दौर आया, सुनिए, इनकमिंग भी फ्री है उनकी, आउटगोइंग भी है फ्री, और देखकर रोमिंग में उनकी हक्का बक्का रह गया, घूमते रहते हैं जहां। इनकमिंग भी फ्री है उनकी, आउटगोइंग भी है फ्री, और देखकर रोमिंग में उनकी हक्का बक्का रह गया। अरे वो तो मोबाइल सरीखी घूमती है रोड पर, और मैं पुराने फोन जैसा घर में रखा रह गया। लैंडलाइन हो गया। मैं पुराने फोन जैसा, बता दीजिए संकेत, मैं पुराने फोन जैसा घर में रखा रह गया। तो बदला है अब के बच्चों का कुछ ऐसा रिंग टोन, बदला है अब के बच्चों का कुछ ऐसा रिंग टोन कि माँ बाप अब तो रहते हैं वाइब्रेट मोड पर, वही कांपते हैं, माँ बाप अब तो रहते हैं वाइब्रेट मोड पर। और मजनू तलाश मत कर लैला को तू गली में, वह कब की शिफ्ट कर चुकी है मेन रोड पर, वह कब की शिफ्ट मेन रोड पर। और एक चार पंक्ति और सुन लीजिएगा कि हुई मेमोरी फुल ऐसी, इसी सिमलीज के प्रतीकों की चार पंक्ति और सुनाता हूं कि हुई मेमोरी फुल ऐसी कि सारा सेंस गायब है, तुम्हारे लफड़े में फंस कर के अपना फ्यूचर टेंस गायब है। तुम्हारा स्ट्रांग सिग्नल वीक मेरा है यही प्रॉब्लम, तेरे नेटवर्क में आया मेरा बैलेंस गायब है। और अच्छा कुछ कविताएं उस तरह की भले ही सुनाऊं, लेकिन एक कविता आदरणीय अशोक जी जी मैं यूं सुनाना चाहता हूं, इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, इस रंग की कविता, हालांकि ये अवसर नहीं है, मैं चाहता हूं कि इसको आज की कार्रवाई से निकाल दिया जाए, लेकिन मैं पढ़ता हूं, मैंने कुछ प्रयोग किए। संस्कृत की कविता आपको सुनाता हूं, अब इतने आप विद्वान लोग बैठे हैं तो संस्कृत की कविता सुनाता हूं, एक श्लोक छोटा सा आपको सुनाना चाहता हूं और आप समझ लेंगे तो एक श्लोक और सुना दूंगा। माया ममता जय ललिता, शीला तथा सोनिया, पंच दिव्या स्मरण मात्रे सर्व पातक नाशनम, कनिमोजी च कलमाणी कोड़ा राजा हसन अली, पंच नामा स्मरण मात्रे नरो भवति कुकुरः। जैसा कर्म करता है मनुष्य वैसा फल प्राप्त होता है, गीता में लिखा गया है कर्म का फल प्राप्त होता है। तो कहता हूं कि कर्मेण फलम लभते, कर्म से फल की प्राप्ति होती है। अरे पंक्तियां लीजिए कि कर्मेण फलम लभते अस्मिन संसार अंदरे, अस्मिन संसार अंदरे, ओ बामा अंबरे गच्छन ओ सामा समंदरे। कर्मेण फलम लभते अस्मिन संसार अंदरे, जैसा करोगे वैसे ही फल आएगा। और इनको भी भले ही आप कार्रवाई से निकाल देना, लेकिन अब आप सुन लीजिए,
अब आप सुन लीजिए कि बड़े बड़े धुरंधरम सिकंदरम कलंदरम जमहूरियत के बंदरम गए तिहार अंदरम। बड़े बड़े धुरंधरम सिकंदरम कलंदरम जमहूरियत के बंदरम गए तिहार अंदरम पतित परम न कुछ शरम न लाज है नहीं डरम सितम कृतम सितम गरम खबर चली गरम गरम घोटाले बाजी के हरम में अब है किसका नंबरम दिशा दिशा ने था कहा चिदंबरम चिदंबरम। यही बात खत्म है प्लीज 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 प्लीज। बड़े बड़े धुरंधरम सिकंदरम कलंदरम जमहूरियत के बंदरम गए तिहार अंदरम पतित परम न कुछ शरम न लाज है नहीं डरम सितम कृतम सितम गरम खबर चली गरम गरम घोटाले बाजी के हरम में अब है किसका नंबरम दिशा दिशा ने था कहा चिदंबरम चिदंबरम परंतु कोर्ट था नरम मिटे सकल भरम वरम कि कोल ब्लॉक अंडरम उठा नया भवंडरम के कोल भ्राक अंडरम उठा नवल भवंडरम अछुंदरम छछुंदरम भय सभी दिगंबरम कि बच गए चिदंबरम फंस गए मुछंदरम। फंस गए मुछंदरम फिर न आए थंडरम तूफान फिर न आए थंडरम कि सप्तमम सिलेंडरम। भाई बहुत अच्छा वाह 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 जोरदार तालियां हो जाए साहब इतनी बढ़िया क्या बात है। फिर न आए थंडरम कि सप्तमम सिलेंडरम कि वाड्रा भवंडरम कि गडकरी गडप करम ये गडकरी गडप करम कि ममता आदि हैंगरम कसाब दुष्ट हैंगरम तो ये देखो दृश्य सुंदरम और बोलो बंदे मातरम तो बोलो। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया वाह 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 वाह। अभी नहीं इतिश्री महाकल युगे महाकली काले श्री राम कवि सम्मेलन मध्य जन श्रोताओं समक्षम प्रस्तुतम पंडित सूर्य कुमार पांडे कुरचितम घोटाला स्तोत्रम प्रथमोध्याय समाप्त। अथ करतल ध्वनिम कुरु अब तो बजा रहे भाई ये तो समझ में आ गई। मैं हालांकि बहुत कुछ सुनाना चाहता हूँ लेकिन समय की सीमा है चाहता हूँ कि यहीं से अपनी बात खत्म करता हूँ और एक मुक्तक जरूर 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 मुक्तकम हाँ एक छोटा एक मुक्तक सुना देता हूँ आपको। क्या है ईमानदारी मुई ढूंढ रहे हो क्या है ईमानदारी मुई ढूंढ रहे हो तुम आग की भट्टी में रुई ढूंढ रहे हो और हर दिल में बेईमानी का भूसा भरा हुआ भूसे में कैरेक्टर की सुई ढूंढ रहे हो। हाय 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 भूसे कैरेक्टर की सुई ढूंढ रहे हो क्या हालत हो गई है। तो कहता हूँ कि नफरत के सेंसेक्स ने लुटिया दई डुबोए शेयर खरीदो प्रेम का कभी न घाटा होए। शेयर बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा।